हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी की बुक और हमारा सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चल रहा है। इस चैप्टर में हम अभी तक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, ये पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो है उनमें क्या क्या सिग्निफिकेंस है, उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उनकी आज हम पढ़ेंगे। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ड्राइव देयर सिग्निफिकेंस फ्रॉम देयर यूटिलिटी। जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये उनकी यूटिलिटी पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजर्स उनका यूज करते हैं तो उनकी यूटिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि उनको अपने आप ही उनकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाती है। दे प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट्स टू मैनेजरियल बिहेवियर। ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये मैनेजरियल बिहेवियर में एक यूजफुल अंडरस्टैंडिंग को ऐड करते हैं एंड इन्फ्लुएंस मैनेजरियल प्रैक्टिस। और जो मैनेजर की जो परफॉर्मेंस जो आ रही है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। मींस जैसे कि कोई मैनेजर है वो जब मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको यूज करता है तो परफॉर्मेंस अच्छी निकल के आती है, और अगर वो उनका यूज नहीं करता तो फिर उसकी परफॉर्मेंस में जो है कमी रहती है। इसलिए उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है अगर वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं। मैनेजर्स में अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स टू फुलफिल देयर टास्क्स एंड रिस्पांसिबिलिटी। मैनेजर्स जो है इन प्रिंसिपल्स का यूज अपने जो उनको टास्क मिले हुए हैं और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उसको फुलफिल करने के लिए इसका यूज करते हैं प्रिंसिपल्स का। प्रिंसिपल्स गाइड मैनेजर्स इन टेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन डिसीजंस। जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के वो एक गाइडलाइन है जो कि मैनेजर्स को गाइड करता है ताकि वो सही से डिसीजन ले सके और उनको इम्प्लीमेंट कर सके, उनको लागू कर सके। द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है ये हम इन कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल मैनेजर्स को यूजफुल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं इन रियल लाइफ। जैसे जैसे वो वर्क करते हैं उनको किस तरह से कोई भी काम फिनिश करना है ये जो जो समझ है उनको कहाँ से मिलती है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड द मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो मैनेजर्स को एक यूजफुल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं उनका जो रियल जो वर्ल्ड है, जो प्रेजेंट जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की सिचुएशन है, किस तरह का जैसे कि किसी में कोई कंफ्लिक्ट चल रहा हो तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, या फिर किसी चीज के किसी प्रोडक्ट का लैक चल रहा हो, कमी चल रही हो तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, मतलब अलग अलग सिचुएशन में उनको किस तरह से काम करना है ये सब उनको कौन बताता है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। दीज प्रिंसिपल्स विल एड टू देयर नॉलेज एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजरियल सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। ये जो प्रिंसिपल है ये जो मैनेजर जो काम करते हैं उनकी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं और उनकी एबिलिटी और उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं ताकि वो सर्कमस्टांसेस प्रेजेंट में उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन में सिचुएशन चल रही है उसको अच्छे से हैंडल कर सके। इट विल आल्सो एनेबल मैनेजर्स टू लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स एंड कंजर्व टाइम बाय सॉल्विंग रिकरिंग प्रॉब्लम्स क्विकली। ये जो मैनेजर्स की जो पहले जो मिस्टेक्स हो चुकी है उनको वो उनसे सीख लेते हैं। जैसे कि हम अगर कोई गलती कर देते हैं कि किसी काम को करने में हमने पहले कुछ गलती की है तो उस काम को जब हम दोबारा करेंगे तो वो गलती को दोहराएंगे नहीं। इसी प्रकार से जो मैनेजर्स थे उन्होंने काफी पहले गलतियां की और फिर उनमें सुधार किए और उनके बेस पे प्रिंसिपल्स बने हैं, तो इससे जो है मैनेजर्स जो है अपनी मिस्टेक को रिपीट नहीं करते और उनका टाइम जो है कंजर्व होता है, बचता है बाय सॉल्विंग रिकरिंग प्रॉब्लम क्विकली, और वो जो प्रॉब्लम जो आती है उनको क्विकली सोल्व कर लेते हैं, इसलिए टाइम में बचत होती है। As such management principles increase managerial efficiency. इस तरह से मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो मैनेजरियल जो एफिशियंसी है, जो मैनेजर्स की जो एफिशियंसी है उसको बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल मैनेजर कैन लीव रूटीन डिसीजन मेकिंग टू हिज सबऑर्डिनेट्स एंड डील विद एक्सेप्शनल सिचुएशंस व्हिच रिक्वायर हिज हर एक्सपर्टाइज बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन। एग्जाम्पल के लिए कोई मैनेजर है वो जो डेली जो डिसीजन मेकिंग होती है उनके सबऑर्डिनेट्स में उसको उसमें इंटरफेयर नहीं करता बल्कि कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन में ही उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो इस तरह से जो है ये जो प्रिंसिपल जो होते हैं मैनेजमेंट के वो अथॉरिटी का डेलीगेशन भी करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के में,
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेकंड जो पॉइंट है जो कि बताता है हमें कि किस तरह से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से हमें जो है ऑप्टिमम बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं हम रिसोर्सेज का, और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं वो भी इफेक्टिव होगा, और रिसोर्सेज जो है जैसे कि कम से कम लागत पे अधिक से अधिक उत्पादन भी हम कर पाएंगे। बाय ऑप्टिमम यूज वी मींस दैट रिसोर्सेज शुड बी पुट टू यूज इन सच ए मैनर दैट दे शुड गिव मैक्सिमम बेनिफिट एंड मिनिमम कॉस्ट। बाय ऑप्टिमम यूज मींस इसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज जो कि लगाए हुए हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको इस तरह से उनसे काम करवाना कि हमें कम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो और कम से कम जो है कॉस्ट आए। रिसोर्सेज बोथ ह्यूमन एंड मटेरियल अवेलेबल विद द कंपनी आर लिमिटेड। जो भी रिसोर्सेज होते हैं किसी कंपनी में, ह्यूमन रिसोर्स हो या चाहे मटेरियल रिसोर्स, वो दोनों ही लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल होते हैं। दे हैव टू बी पुट टू ऑप्टिमम यूज, और उनका जो है हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन करना होता है। प्रिंसिपल्स इक्विप द मैनेजर्स टू फोरसी द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ देयर डिसीजंस एंड एक्शंस। प्रिंसिपल जो है मैनेजर्स को इस तरह से इक्विप करते हैं, इक्विप क्या होता है, इक्विपमेंट से बना हुआ है, तो इस तरह से इक्विप करते हैं कि वो पहले से ही प्रेडिक्ट कर सके कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को, और अपने डिसीजन मेकिंग में और एक्शन करने में कि किस तरह से जो प्रिंसिपल्स है वो हेल्पफुल है। प्रिंसिपल्स जो है वो मैनेजर्स को इस तरह से इक्विप करते हैं कि वो जो है पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि जो काज और इफेक्ट में क्या रिलेशनशिप है उनके डिसीजन मेकिंग और एक्शंस करने में। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लिमिट द बाउंड्री ऑफ मैनेजरियल डिस्क्रिएशन। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो मैनेजर्स की जो सेल्फ डिसीजन लेने की जो बाउंड्री है उसको लिमिटेड करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मैनेजर्स है वो अपने अपने जो वो जो चाहते हैं, मीन्स हो सकता है कि जो मैनेजर चाहता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल ना हो, तो प्रिंसिपल्स जो है ये लिमिटेड कर देते हैं किसी भी मैनेजर को कि वो अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकते, उनको ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेना होगा। सो दैट देयर डिसीजंस मे बी फ्री फ्रॉम पर्सनल प्रेजुडिस एंड बायसेस। इस तरह से जो मैनेजर्स जो डिसीजन लेते हैं वो पर्सनल जो है उनके पर्सनल और उनके बायस नहीं होते वो डिसीजन। जो मैनेजर्स जो डिसीजन लेते हैं वो बायस फ्री होते। फॉर एग्जांपल इन डिसाइडिंग द एनुअल बजट्स फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रेदर देन पर्सनल प्रेफरेंसेस, मैनेजरियल डिस्क्रिएशन इज बाउंड्री बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर जैसे कि किसी भी मैनेजर को एनुअल बजट डिसाइड करना है अलग अलग डिपार्टमेंट का, तो वो जो है अपने आप को प्रेफरेंस देकर, पर्सनल प्रेफरेंस न देकर, उनको ऑर्गेनाइजेशन को प्रेफरेंस देना पड़ेगा और उनके ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ही उनको डिसीजन लेना पड़ेगा कि किस डिपार्टमेंट में उनको कितना बजट देना है। तो इस तरह से जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो मैनेजर को बाउंड करते हैं कि वो किसी तरह के सेल्फ डिपेंडेंट सेल्फ को ध्यान में रख के डिसीजन ना ले, और बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अपने ध्यान में रखे। कहने का मतलब ये है कि कोई भी मैनेजर अपनी मर्जी से किसी डिपार्टमेंट को कम या ज्यादा बजट नहीं दे सकता, बल्कि वो जितनी बजट की उस डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट है उसी की अकॉर्डिंग उनको बजट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज साइंटिफिक डिसीजंस। डिसीजंस मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, थॉटफुल एंड जस्टिफाइबल इन टर्म्स ऑफ द इंटेंडेड पर्पज। जो है मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो ये कहते हैं कि डिसीजंस जो है वो फैक्ट पे बेस होने चाहिए, थॉटफुल होने चाहिए और जस्टिफाइबल होने चाहिए, और जो पर्पज हमने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। दे मस्ट बी टाइमली, रियलिस्टिक एंड सब्जेक्ट टू मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। डिसीजन जो है टाइम के अकॉर्डिंग होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, सब्जेक्ट टू मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, ऐसे होने चाहिए जो कि जिनको हम मेजर कर सके और इवेल्युएट कर सके। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प इन थॉटफुल डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो थॉटफुल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। दे एम्फसाइज लॉजिक रेदर देन ब्लाइंड फेथ। प्रिंसिपल्स जो है वो लॉजिक होने पर ज्यादा जोर देते हैं, ना कि ब्लाइंड फेथ पे। मैनेजमेंट डिसीजंस टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स आर फ्री फ्रॉम बायस एंड प्रेजुडिस। मैनेजमेंट के जो डिसीजंस प्रिंसिपल
प्रिंसिपल्स के बेस पे लिए जाते हैं वो बायस फ्री होते हैं, मीन्स वो भेदभाव पर भेदभाव नहीं होता उनमें। मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो जो एनवायरनमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ऑल्दो द प्रिंसिपल्स आर इन द नेचर ऑफ जनरल गाइडेंस, यद्यपि जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, एक उनका नेचर कैसा है, वो एक जनरल गाइडलाइन है, बट दे आर मॉडिफाइड एंड एज सच हेल्प मैनेजर्स टू मीट चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। लेकिन उनमें जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है उनमें मैनेजर्स चेंज कर सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल टू अडॉप्ट द डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट। हम पहले भी पढ़ चुके हैं मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, और जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको अडॉप्ट करते हैं, मीन्स उसके अकॉर्डिंग उनमें चेंज होते रहते हैं। इन मॉडर्न टाइम्स दिस प्रिंसिपल हैज बीन एक्सटेंडेड टू द एंटायर बिजनेस। आज जो ये जो मॉडर्न जो टाइम है इसमें जो प्रिंसिपल है वो पूरे बिजनेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, वेयर बाय कंपनीज आर स्पेशलाइजिंग इन देयर कोर कॉम्पिटेंसी एंड डाइवर्सिंग कोर नॉन कोर बिजनेसेस। हालांकि जो मॉडर्न जो टाइम है इसमें कंपनीज क्या कर रही है कि जो उनका जो कोर जो बिजनेस है उसको स्पेशलाइजेशन में लेके आ रही है, और जो उनका नॉन कोर बिजनेस है उसकी तरफ वो कम ध्यान देती है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट वन मे साइट द डिसीजन ऑफ हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड इन डाइवेस्टिंग नॉन कोर बिजनेस ऑफ केमिकल एंड सीड्स। इसमें हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं किसका, कि जो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जो कंपनी है वो अपने कोर बिजनेस पे तो अधिक ध्यान दे रही है, और उनका नॉन कोर बिजनेस जो केमिकल और सीड्स का है उसके ऊपर वो कम ध्यान देते हैं। सम कंपनीज आर आउटसोर्सिंग देयर नॉन कोर एक्टिविटीज। कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो कि उनकी नॉन कोर जो एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए वो आउटसोर्सिंग से मतलब बाहर से उनपे काम करवा लेते हैं, जैसे कि सेल ट्रांसफर मैनेजमेंट एंड एडवर्टाइजिंग टू आउटसाइड एजेंसीज। जैसे कि सेल ट्रांसफर मैनेजमेंट करना या फिर एडवर्टाइजिंग के लिए जो आउटसाइड भी जो एजेंसीज होती है उनसे एडवर्टाइज करवा लेती है, और खुद उसके लिए जो है ना कुछ स्टाफ रखते हैं, और किसी भी तरह की एक्टिविटी उस जो मेन जो कंपनी है उसमें नहीं की जाती, बल्कि आउटसोर्स आउटसोर्स से काम करवाया जाता है। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक फोर्सेस बिजनेस स्पेशली लिमिटेड कंपनीज टू फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो पब्लिक में जो आजकल जो अवेयरनेस बढ़ रही है इससे क्या है, बिजनेस को फोर्स किया जाता है, विशेषकर जो लिमिटेड कंपनीज हैं, कि वो जो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो उनको पूरा करे। मैनेजमेंट थ्योरी एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव आल्सो इवॉल्वड इन रिस्पॉन्स टू दिस डिमांड्स। मैनेजमेंट बहुत सारी मैनेजमेंट थ्योरी और मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी डेवलप किए जा रहे हैं इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए। मोर एवर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रिंसिपल आल्सो अज्यूम्स न्यूअर एंड कंटेम्पररी मीनिंग विद द चेंज इन टाइम। हालांकि जो प्रिंसिपल्स हैं उनका इसमें एंटर करना नया और मॉडर्न चेंज माना जा रहा है। सो इफ वन वर टू टॉक ऑफ इक्विटी टुडे इज डज नॉट अप्लाई टू वेज अलोन। इसलिए आज अगर कोई इक्विटी के बारे में बात कर रहा है तो इसका मतलब सिर्फ वेज से नहीं होता है, बल्कि इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर इंक्लूड करेंगे, जैसे कि वैल्यू टू द कस्टमर्स, कस्टमर्स को वैल्यू देना, केयर फॉर द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की केयर करना कि मतलब एनवायरमेंट जो है स्पॉइल नहीं होना चाहिए, डीलिंग्स विद बिजनेस एसोसिएट, जो बिजनेस एसोसिएट्स हैं उनके साथ हम किस तरह से डील करते हैं उनको भी इसमें इंक्लूड करेंगे, वुड आल्सो कम अंडर द रिव्यू ऑफ द प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल में ये सारे जो फैक्टर हैं वो आएंगे। एज एन एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल वी फाइंड दैट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैव डेवलप्ड एंटायर टाउनशिप। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने ये फाइंड किया है कि जो पब्लिक सेक्टर होते हैं वो पूरे एंटायर टाउनशिप को भी डेवलप करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भेल हैज डेवलप्ड रानीपुर। भेल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने पूरे जो रानीपुर जो है इलाका है एक हरिद्वार उत्तरांचल में उसको डेवलप किया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करते हैं। फोर्थ इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट की ट्रेनिंग एजुकेशन और रिसर्च में भी जो है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एट द कोर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजमेंट की थ्योरी का जो है कोर मतलब सेंटर पॉइंट है। एज सच दीज आर यूज्ड एज ए बेसिस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च।
इसलिए जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है उनका यूज मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च में भी किया जाता है। यू मस्ट बी अवेयर दैट एंट्रेंस टू मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इज प्रीसीडेड बाय मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। आप सबको जानकारी होगी कि जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वो भी एंट्रेंस टेस्ट लेकर मैनेजमेंट में एंट्री करवाती है। डू यू थिंक दैट दिस टेस्ट कुड हैव बीन डेवलप्ड विदाउट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो टेस्ट करवाए जाते हैं उनमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का कोई रोल नहीं है? एंड हाउ दे मे बी अप्लाइड इन डिफरेंट सिचुएशंस, और इनको अलग अलग सिचुएशन में कैसे लागू किया जाता है? मीन्स जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है उन्हीं की वजह से जो आजकल जो है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो टेस्ट कंडक्ट करवाती है। These principles provide basic groundwork for the development of management as a discipline. ये जो principles हैं एक ऐसा groundwork provide करते हैं जिससे कि management का development एक discipline के रूप में हो सके। Professional courses such as MBA, BBA also teach these principles as a part of their curriculum at the beginners level. ये जो professional courses हैं जैसे कि MBA, BBA इन सब में जो है starting से ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। दिस प्रिंसिपल्स एनेबल रिफाइनमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस एज वेल एज फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मैनेजमेंट टेक्निक। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये मैनेजमेंट जो वर्किंग है उसमें चेंज लाते हैं, उनमें कुछ नया इंट्रोड्यूस करते हैं और जो मैनेजमेंट की जो नई नई टेक्निक आती है उनको भी डेवलप करते हैं। दिस वीक सी दैट टेक्निक्स लाइक ऑपरेशंस रिसर्च, बहुत सारी जो टेक्निक्स आई है जैसे कि ऑपरेशन रिसर्च, कॉस्ट काउंटिंग, जस्ट इन टाइम, कैनबैन, काइजन हैव डेवलप्ड ड्यू टू फर्दर रिसर्च ऑन दिस प्रिंसिपल्स। इन प्रिंसिपल्स के बेस पे ही ये सारी टेक्निक्स जो है डेवलप की गई है। इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग्स, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विल हेल्प अस टू अप्रिशिएट देयर एप्लीकेबिलिटी इन रियल लाइफ सिचुएशन। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है उनका मीनिंग, नेचर और सिग्निफिकेंस से हमें हेल्प मिलती है कि हम जो है रियल लाइफ में जो जो सिचुएशन है, जो रियल लाइफ मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन में जो सिचुएशन है, जो रियल लाइफ जो सिचुएशन है उसमें उस एप्लीकेबिलिटी को अप्रिशिएट कर सके। एज स्टेटेड एज द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर, मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैव अंडरगोन ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन। जैसा कि चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है उनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत लंबे टाइम से डेवलप हो रही है एंड दे कंटिन्यू टू इवॉल्व, और ये जो है कंटिन्यू डेवलप होती रहेगी। एफ डब्ल्यू टेलर और हेनरी फ्योल ने जो है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया है, इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।